नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मेरे चैनल प्रवचन ग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप भी घर में सब सुरक्षित और सही होंगे। आज जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्लैंकेट डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आप उसे ब्लैंकेट तो बना ही सकते हैं, बेबी ब्लैंकेट, और उससे आप सोफा कवर बना सकते हैं, प्लस कुशन कवर बना सकते हैं। उस वो डिज़ाइन ऐसा है, उसको आप दो कलर में बनाइए, चाहे तीन में बनाइए, तो चार में बनाइए, बहुत प्यारा बनेगा। और उसका जो भी बने, जो भी हम जैसे कुछ भी बनाते हैं, तो उसकी बहुत मतलब कि ग्रेस आएगा। और हम उसे जैकेट भी बना सकते हैं, उससे हम बेडशीट भी बना सकते हैं। उसको हम पट्टियों में पट्टी पट्टी बना के 8 इंच की या 10 इंच की पूरी लॉन्ग जो हमारी चादर की लेंथ होती है पलंग की, तो 5 जो 6 फुट की होती है, उस हिसाब से हम बना के उसको हम जोड़ जोड़ के पूरी बेडशीट बना सकते हैं। तो वो बहुत प्यारा डिज़ाइन है, आइए उसको हम शुरू करते हैं बनाना। आज जो मैं लेके आई हूँ एक ब्लैंकेट, उससे आप ब्लैंकेट बनाइए, उससे आप जैकेट बनाइए, पर्स बनाइए या कुशन कवर बनाइए, आज वो मैं आपके लिए डिज़ाइन लेकर आई हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मैं भी आपको सैंपल बता रही हूँ। तो जैसे कि मैंने दो कलर की ऊन ली है, एक रेड और एक गोल्डन में। तो मुझे पहले चैन लेके 25 चैन लिए मैंने, और उसके ऊपर सिंगल क्रोशिया कर लिया है दो लाइन, यहाँ पे भी और यहाँ पर भी, ये देखिए। तो मैं आपको ये दोबारा एक थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने एक सिंगल स्टिच किया है, और यहाँ पर भी देखिए। तो सिंगल स्टिच मुझे करना कैसे है, ये यहाँ पे, ये देखिए, जो यहाँ पे हमारी दो चैनें बनती हैं, तो उसमें ये पीछे वाली चैन पे ये मुझे लेना है, ये देखिए, ये यहाँ पे ये चैन है, इसमें से लेना है, और एवरी चैन में से, ये देखिए। जब हम क्रोशिया बनाते हैं तो हमारे चैन में दो हिस्से होते हैं, एक ये वाली लाइन होती है और एक इधर वाली लाइन होती है। तो हमें ये इस सेंटर वाली पीछे वाली लाइन लेनी है, ये देखिए, इस तरह से। आप इसमें जितने मर्जी कलर लगा सकते हैं डिजाइन के अंदर, मैं आपको दो कलर से ही बता रही हूँ। ये देखिए, ये मेरा यहाँ तक हो गया, इस तरह से डिजाइन आएगा, ये देखिए। अब हमें करना क्या है, ये हमने रेड कलर ले लिया, यहाँ पे हमने नॉट लगा लिया, और इसको इसमें से ले लिया है, ये देखिए, यहाँ से 1 2 3, यहाँ पे मैंने 3 चैन ले लिए हैं, और इसको गोल्डन वाले को थोड़ा धागे को उनको खींच लिया, ये देखिए। अब ये हमारा यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे हमें शुरू के 4 डबल क्रोशिया लेना है। तो एक मेरा चैन का हो गया, 2 3 और ये 4, ये हमारा यहाँ पे 4 हो गए। अब हमें करना क्या है, जो दूसरा, जो हमें 4 दोबारा लेने हैं, ये यहाँ पे हमने प्रॉपर निकाला है, जैसे डबल क्रोशिया लेते हैं, और जैसे ये हमने नीचे सिंगल स्टिच लिया था, चैन में से पीछे से लेना है, ये देखिए, 1 2 3 और ये 4, ये हमारे 4 हो गए। और ये देखिए, ये आगे हमारी लाइन है, इस तरह से बनेगी ये, हम इसमें इसको भी अभी हम यूज करेंगे। अब हमें सिंपल, जैसे हम डबल क्रोशिया बनाते हैं, ये हमें 4 बनाना है। आप देखेंगे फर्क आपको साफ नजर आएगा, ये देखिए, 2 3 और ये 4, ये देखिए, ये आपको फर्क नजर आ रहा होगा। ये मैंने नीचे से लिया जैसे प्रॉपर लेते हैं, और ये मैंने यहाँ पे ये छोड़ के लिया है। इसी तरह से मुझे पूरी लाइन करनी है, ये देखिए, मेरा ये इस तरह से हो गया। अब मुझे सेकंड लाइन कैसे करनी है, यहाँ पे एक चैन लूँगी
और यहाँ पे मैं सिंगल स्टिच लूँगी पूरे पे, ये देखिए पूरी लाइन पे, जिस तरह से मैंने नीचे लिया था गोल्डन पे दो लाइन, इसमें यहाँ पे मैं सिंगल स्टिच लूँगी इस तरह से, पूरी लाइन मुझे ये इसी तरह से करनी है। देखिए मेरा यहाँ पर आ गया, अब मैं गोल्डन लूँगी, देखिए अब रेड को थोड़ा खींच लूँगी। अब मुझे करना क्या है, अब ये देखिए यहाँ से मेरा डिज़ाइन शुरू होने वाला है। ये देखिए यहाँ पे मैं एक नॉर्मल अपना एक चैन लूँगी, और जो यहाँ पर है इधर सिंगल स्टिच लूँगी, एक दो और ये तीन और ये चार, यहाँ पे मैंने चार सिंगल स्टिच ले लिए। जो यहाँ पे मैं नीचे डबल क्रोशिया लेते हैं उसके ऊपर ही सिंगल स्टिच लिया है। अब ये देखिए ये मैंने यहाँ पे अपना लूप बनाया है, और जो यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया था यहाँ मैंने चैन छोड़ी है, तो अब हमें करना क्या है, देखिए ये चैन पे से हमें यहाँ पे चैन पकड़ लेनी है, और इसमें से अब हमें ये देखिए ये डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमने लिया, यहाँ से हमने चैन इसको उठाई फंदे को, यहाँ से हमने खींचा इसको, यहाँ से ये देखिए ये हमारा एक बन गया। ये हम जब बनाएंगे तो ये पूरा प्रॉपर सही हो जाएगा, ये आप ये मत सोचना ये चैन खींच रही है, ये देखिए ये हम यहाँ पे चार बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से ये हमारा ये यहाँ पर आ गया, ये देखिए। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अब हमें सिंगल करना है, इधर आ गया ये देखिए एक दो तीन और ये चार, ये देखिए हमारा इस तरह से डिज़ाइन आ गया। अब फिर दोबारा वही करना है, ये हमें फंदा बनाना है और हमें ये चैन में से लेना है, ये देखिए। आप इसको तीन कलर में बनाइए, चार कलर में बनाइए, बहुत प्यारा लगेगा। मैं आपको दो कलर में ही बना के दिखा रही हूँ, इस तरह से हमारा ये बन जाएगा, ये देखिए आएगा आएगा इसी तरह से, ये देखिए डबल, और यहाँ पे अब ये सिंगल, चार यहाँ पे सिंगल स्टिच लेना है, एक दो तीन और ये चार, ये हमारा इस तरह से आएगा, ये देखिए। अब हमें अब क्या करना है, यहाँ पे भी अब हमें ये देखिए ये सिंगल स्टिच की पूरी लाइन करनी है, पूरी लाइन सिंगल स्टिच, ये देखिए मेरी दो लाइन हो गई है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे मैंने ये फंदे में से जो ये बनाया था इसमें से रेड निकाल लिया, तो यहाँ पे मुझे वही एक लेनी है और यहाँ पे मुझे सिंगल स्टिच लेना है, ये देखिए एक दो नहीं सॉरी, यहाँ पर मुझे तीन चैन लेके एक दो तीन, और यहाँ पे मुझे अब ये देखिए यहाँ पे मुझे इस तरह से चालू करना है, यहाँ पे ये देखिए अब यहाँ पे मैंने ये दो लाइन कर ली है, उसके बाद यहाँ पे मैंने तीन रेड से चैन बना ली है। अब मुझे सेम वैसे करना है जैसे मैंने यहाँ नीचे किया है, ये इधर से पीछे से मुझे यहाँ पे चार डबल क्रोशिया लेने, एक दो तीन और ये चार, ये मेरे चार हो गए, और यहाँ पे चार नॉर्मल लेने हैं, ये देखिए एक दो तीन और ये चार, ये देखिए ये
यहाँ पे पहले मैंने इधर लिया था, अब मेरे को इधर लेना है। ये देखिए, ये अब मुझे चेंज करते जाना है। अब इस, अब ये मेरे को इस पीछे से इस साइड से लेना है। ये देखिए, चार डबल क्रोशिया, इस तरह से, फिर ये डबल क्रोशिया नॉर्मल। ये देखिए, ये मेरा हो गया इस तरह से। अब यहाँ पे मुझे पूरी लाइन सिंगल स्टिच करनी है। ये देखिए, मेरा इस तरह से हो गया है। अब करना क्या है हमें, यहाँ पे अब इस तरफ से मुझे, ये देखिए, यहाँ पे मुझे एक चैन लेके तो मुझे सिंगल स्टिच करना है। ये देखिए, चार, एक, दो, तीन और ये चार, ये हमारे चार हो गए। अब चार हमें इस तरह से करना है, नहीं सॉरी, यहाँ से मुझे डबल क्रोशिया लेना है। देखिए, क्योंकि डिजाइन अब मुझे यहीं पे शुरू करना है। ये देखिए, यहाँ से ये इस तरह से, थोड़ा इसको हाथ को ढीला रखेंगे। ये एक, दो, तीन और ये चार, इस तरह से चार। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे ये चार सिंगल स्टिच, तीन, चार, और ये बहुत प्यारा डिज़ाइन बनता है। आप इसको बनाना ज़रूर। ये देखिए, इस तरह से ये मुझे पूरी लाइन करनी है। ये देखिए, मेरा इस तरह से कुछ बन के डिज़ाइन तैयार होगा। अब आप बताइए आपको डिज़ाइन कैसा लगा। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा डिज़ाइन। और जो भी मेरे नए दर्शक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को भी दबाइए, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।